नमस्कार दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका म्यूजिकल फूडी सेफ सुनील शर्मा और आज मैंने मेरे किचन में बनाई है एक बहुत ही चटपटी रेसिपी राजस्थान से, छोटे प्याज की मसालेदार सब्जी और साथ है तिकोना पराठा लेयरदार। ये देखिए क्या क्रिस्पी ये पराठा मेरी बेटी ने बनाया है। इस पराठे के साथ मैं टेस्ट करने वाला हूँ ये मारवाड़ी रसोई की बहुत ही मशहूर चटपटी सब्जी, मसालेदार छोटे प्याज की सब्जी या इसे आप भरवा प्याज भी कह सकते हैं। शादियों में तो आपने जरूर इसे मेन कोर्स में खाया होगा, लच्छा पराठा या केरला पराठा के साथ। तो आइए फटाफट मेरे किचन में बनाते हैं छोटे प्याज की ये बड़ी ही स्वादिष्ट रेसिपी जो है राजस्थान से। दोस्तों छोटे प्याज अक्सर आपको बाजार में मिल जाएंगे या आपके स्ट्रीट में कभी सब्जी बेचने वाला आए तो उसके पास भी मिल जाएंगे। ये देखिए मैंने ये छोटे प्याज इस तरह से ले लिए हैं। थोड़े बड़े प्याज से भी इसे बनाया जा सकता है मगर छोटे प्याज हो तो बनाने का मजा आता है। मैंने इसे छील कर अच्छे से धो लिया है। अब आइए इसमें हम चाकू के माध्यम से दो कट लगाएंगे इस तरह से, देखिए ये, और फिर इस तरह से देखिए। इसे पूरा नहीं काटना है, बस हमें सभी प्याजों में ये दो कट लगाने हैं। तो इस तरह मैंने सारे प्याज में ये कट लगा लिए हैं। अब आइए इस मजेदार सब्जी की ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो गैस चालू हो चुका है, मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप इसे सामान्य कढ़ाई में भी बना सकते हैं। पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेल डाल रहा हूँ। तेल थोड़ा मैं सामान्य सब्जियों से ज़्यादा लूँगा। तेल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा कलौंजी, साथ में जीरा, और जीरा जैसे ही चटकने लगेगा साथ में मैं ऐड करूँगा एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा। थोड़ा सा इसे तेल में पका लेते हैं और अब मैं इसमें मिक्स करने वाला हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब आइए इनको जरा अच्छे से भून लेते हैं। अदरक और लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें मिला रहा हूँ ये कटे हुए प्याज। इसमें मैंने प्याज की मात्रा थोड़ी कम रखी है क्योंकि खड़े प्याज भी तो डालना है, इसीलिए मैंने अदरक और लहसुन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी है। क्योंकि प्याज की तासीर थोड़ी सी मीठी रहती है इसलिए हम इसे थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे, यानी हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और मसाले का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करेंगे। अब राजस्थान की रेसिपी है और वो भी घर में बन रही है तो थोड़ी चटपटी तो होनी ही चाहिए। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची के साथ अब मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ थोड़ी सी हींग। चलिए अब इसमें मिलाते हैं सूखे मसाले। तो ये गई 2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। हमारी ग्रेवी का कलर अच्छा लाल आए इसीलिए मैं इसमें कश्मीरी मिर्च का प्रयोग कर रहा हूँ और साथ में डालूँगा जीरा पाउडर और इसका चटपटापन बढ़ाने के लिए कुटी हुई काली मिर्च। इस वक्त आँच कम रखिए ताकि हमारे मसाले जले नहीं। आइए इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। हल्की आंच पे हमारे मसाले अच्छे से भून रहे हैं। मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लेके उसे मिक्सर में पीस लिया है और अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फ्रेश टमाटर प्योरे। टमाटर डालने के बाद इसे मसालों के साथ हमें अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर का कच्चापन दूर हो और अच्छे से टमाटर मसालों के साथ मिक्स हो जाए। इसे हम मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। इस वक्त मैंने आंच को तेज रखा है, इसे 4-5 मिनट तक अच्छे से भून लें और ढककर धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। टमाटर और मसालों को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं, आइए अब इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए तेल धीरे धीरे छूटना शुरू हो चुका है सतह पर। इसे 2 या 3 मिनट हमें और पकाना है ताकि तेल पूरी तरह से सतह पर आ जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ। याद रखें नमक मैंने पूरा नहीं डाला है, बाद में छोटे प्याज डालने के बाद मैं और भी नमक डालूँगा।
अब आइए इसे मिक्स करके थोड़ी देर और पका लेते हैं। तो मैं इसे ढक देता हूँ और 2-3 मिनट के लिए और इसे अच्छे से पका लेता हूँ। आइए इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तेल अच्छे से छूटना शुरू हो चुका है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है। हमारी इस ग्रेवी को और क्रीमी बनाने के लिए मैं डाल रहा हूँ दही, जो कि रूम टेम्परेचर पे है और फ्रेश है। याद रखिए, दही खट्टी नहीं होना चाहिए और दही का प्रयोग जब भी करें आँच उस वक्त कम रखें, वरना दही हमारी फट सकती है। ये देखिए, हमारी जो सब्जी बन रही है उसका लुक और भी यमी होता जा रहा है। बस दही डालने के बाद इसे मसालों के साथ धीमी आँच पे पकने दें, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो आइए अब इन मसालों को दही के साथ मिला लेते हैं और इसे ढक के 4 या 5 मिनट धीमी आंच पे पकने देते हैं। तो 4 या 5 मिनट हो चुके हैं, अब आइए हमारी ग्रेवी को हम चेक कर लेते हैं। वाव, तेल पूरी तरह से सतह पे आ गया है और इसका लुक भी बहुत ही यमी दिख रहा है। तो इस मिक्सचर को थोड़ी देर ढक के और पका लेते हैं, फिर इसमें मिक्स करेंगे जो छोटे प्याज हमने काट के रखे हुए हैं। आइए इसे चेक कर लेते हैं। वाव, क्या खुशबू आ रही है और पूरी तरह से तेल ऊपर आ चुका है और हमारा मसाला भी पक चुका है। तो आइए अब इसमें मिक्स करते हैं हमारे छोटे प्याज, जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि भाई हमें कब डालोगे, कहीं भूल तो नहीं गए। अब आइए इसे मिक्स कर लेते हैं और ढक के कुछ देर धीमी आंच पर पकाते हैं। याद रखिए, हमें पानी का प्रयोग नहीं करना है। छोटे प्याज धीमी आंच पर जब इस मसाले के साथ पकेंगे तो काफ़ी सारा पानी लूज आउट होगा। तो उसी पानी में और इस ग्रेवी में प्याज को हल्की आंच पर पकने दीजिए, ताकि इन छोटे प्याज में हमारा जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आइए एक बार फिर से हमारी सब्जी को चेक कर लेते हैं, जो अब लगभग बनने को तैयार है। मसालों के साथ प्याज अच्छे से धीमी आंच पे भून रहा है, थोड़ा पानी भी प्याज ने छोड़ा है। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 2 कटी हुई हरी मिर्ची। दोस्तों, प्याज की तासीर मीठी होती है, टमाटर दही भी मिठास छोड़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा चटपटापन बढ़ाने के लिए हरी मिर्ची डाल रहा हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्ची डाल के मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। याद रखें, प्याज को हमें ओवर कुक नहीं करना है। और अब इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए और डिश आउट करने से पहले मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ घर में पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। याद रखिए, नमक हमने पहले भी डाला था लेकिन पूरा नहीं डाला था। तो गरम मसाला और नमक डालने के बाद आइए अब इसे एक बार और मिक्स कर लेते हैं और अंत में 2 मिनट में इसे ढक के और पकाऊंगा, ताकि हमारा जो गरम मसाला है, नमक है, वो हमारी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए दोस्तों, छोटे प्याज की मसालेदार चटपटी सब्जी बनके तैयार है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे खूब सारा धनिया और इसे डिश आउट कर लेंगे। भाई, शादी में जब जाएंगे तब ये सब्जी खाएंगे, फिलहाल तो घर की रसोई में बनकर तैयार है राजस्थान का ये जायका, छोटे प्याज की मसालेदार चटपटी सब्जी। तो धनिया डालने के बाद जरा इसका लुक देख लीजिए, क्या बात है। ये देखिए, हमारे प्याज अच्छे से पक चुके हैं और ग्रेवी का कलर देखिए। तो अब आइए इसे डिश आउट कर लेते हैं। रोटी के साथ खाएं, लच्छा पराठा के साथ खाएं, दाल चावल के साथ सर्व करें। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए और आप भी घर में ज़रूर बनाइए छोटे प्याज की ये मज़ेदार चटपटी रेसिपी। दोस्तों, अलग अलग प्रांत की रेसिपी का अपना मज़ा है। हमारे बुजुर्गों ने, पुराने रसोइयों ने, खानसामाओं ने हमारे लिए स्वाद का खजाना छोड़ा हुआ है। तो आप भी राजस्थान की ये मशहूर रेसिपी अपने किचन में ज़रूर बनाएं और मेरे फूड चैनल म्यूजिकल फूडी सेफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं सुनील शर्मा आपसे यही उम्मीद करूंगा कि सुर और स्वाद का हमारा ये रिश्ता हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।